हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर पॉइंट में। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो नोटिस के बारे में बताने वाला हूँ कि आपका जो है स्कूल के ऑडिटोरियम में आपका वॉच खो गया है, ठीक है। एंड आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाना है। तो उसके लिए नोटिस जो हम लिखेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह का है। और दोस्तों हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिल सके। देखिए, यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच इन योर स्कूल, ये क्वेश्चन है हमारा। ड्राफ्ट अ नोटिस अबाउट इट फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। यू आर विनीत और विनीता ऑफ योर ऑफ क्लास 10th ओनली इन 50 वर्ड्स, ओके। या फिर क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा भी हो सकता है, यू लॉस्ट योर रिस्ट वॉच इन योर स्कूल ऑडिटोरियम। देखिए दोस्तों, कभी भी पेपर में अगर आपका कोई सेंटेंस अधूरा रह गया तो ये हल्का सा निशान देके आप जो है नीचे इसको पूरा कर सकते हैं, ओके। देखिए, ऑडिटोरियम, राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। गिवन डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉच यू आर अनु, अंशु और क्लास 10, जो भी आपकी वॉच खो गई है उसकी डिटेल्स बताइए, ठीक है। और 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे आते हैं, देखिए बॉक्स बनाना तो बहुत ज़रूरी होता है हमारा। तो बॉक्स आप पहले मत बनाइए, पहले आप जो नीचे वाला कॉलम है ना, मतलब नीचे ये बॉक्स को कभी बंद नहीं करना चाहिए नोटिस लिखते टाइम, ठीक है। तो जैसे देखिए, इन्होंने स्कूल का नाम ऑलरेडी आपके पेपर में मेंशन किया होता है, तो स्कूल का नाम सबसे पहले लिखना होता है। और आपका खो गया कोई चीज़ तो लॉस्ट 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 एंड फाउंड का लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो नीचे आते हैं, देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, ठीक है। लॉस्ट माई गोल्डन कलर्ड रिकॉन ऑटोमेटिक रिस्ट वॉच राउंड अबाउट 12 PM। आपका जो है रिस्ट वॉच खो गया है कब के 12 बजे करीब इन दी स्कूल स्कूल के ऑडिटोरियम में, वाइल इन स्टेजिंग अ प्ले, ठीक है। द वॉच इज वेरी ब्यूटिफुल, ये हम वॉच के बारे में बता रहे हैं कि वॉच जो था हमारा बहुत सुंदर था। इज वेरी ब्यूटिफुल, कंटेनिंग डे, उसकी खासियत बता रहे कि उसमें डे दिखाता था, डेट दिखाता था, एंड सेंटर। सेकंड, इट इज राउंड इन शेप, उसका जो शेप था वो राउंड था। विद गोल्डन डायल हैविंग अ गोल्डन चेन मेड इन जापान, जो हमारा चेन था वो गोल्डन था, उसका डायल जो था वो गोल्डन था, ओके, जो कि कहाँ का था, जापान का था। फाइंडर मे प्लीज रिस्टोर इट टू दी अंडर साइन, अंडर साइन में देखिए किसका नाम लिखा है, आपका नाम लिखा है भाई। अंडर साइन होता है कि जिसका साइन हो वहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। ऑफ क्लास 10th, 10th क्लास के मतलब जो है, एंड और टू दी प्रिंसिपल, या तो प्रिंसिपल को, या तो क्लास 10th में आप सबमिट कर देना जिनका साइन है, या फिर प्रिंसिपल ऑफिस में। ही विल बी एम्प्लॉय रिवॉर्डेड, उसको जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा, आशु क्लास 10th है। इसमें जो सबसे बड़ी टफ वाली चीज़ आती है ना दोस्तों, कि हमको इसको 50 वर्ड के अंदर लिखना होता है, तो हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट मारें, ठीक है। और यही चीज़ें होती हैं एक एडवर्टाइजमेंट, एक नोटिस बोर्ड को लिखने में नोटिस के लिए। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।